अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं चिकन शामी कबाब। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने इसमें 2 अदद आलू लिए थे, लाल साबित मिर्च ली है, जीरा लिया है, दालचीनी ली है, बड़ी इलायची ली है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और मैंने इसमें चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया है और दाल ली है एक प्याला भर के और ये मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दी थी और नीम गर्म पानी लिया है। सबसे पहले हम अपनी दाल ऐड कर देंगे पतीली में, सारी चीज़ें हम इकट्ठी ऐड कर देंगे। दाल ऐड करने के बाद इसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे और चिकन भी शामिल कर देंगे और जो हमारे मसाले थे वो सब ऐड कर देंगे इसमें और आलू भी साथ ही ऐड कर देंगे। अब इसे पकने के लिए थोड़ी देर इस पर उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारा उबाल आना शुरू हो जाएगा हम इसकी हल्की आंच करके और इसे पकने के लिए रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर तक चेक करेंगे। अभी हमारी दाल जो है वो गल चुकी है, अब हम इसका पानी खुश कर लेंगे। पानी खुश कर लेंगे इसका अच्छे से, इसमें हमने नमक शामिल किया और हमने इसका पानी खुश कर लिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये ठंडा होगा हम इसका चिकन की पीसेस अलग कर लेंगे। तो ये हड्डी ना बीच में आए इस वजह से चिकन के हम सारे पीसेस निकाल लेंगे और उसका थोड़ा सा रेशा कर लेंगे ताकि मशीन में भी इजीली हो जाए। अब मैं कबाबों का मसाला पीस लूँगी मशीन से। मैंने मसाला पीस लिया है, इसमें आलू शामिल किए थे इसलिए मैं ज़्यादा अंडे नहीं डालूँगी, मैंने इसलिए एक ही अंडा शामिल किया है। और इसमें मैंने ज़ीरा धनिया और गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया था और हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च ये भी ऐड करके मैंने कबाब बना लिए थे और अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।